Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive video series focusing on real numbers for Class 10 CBSE Maths. This series delves into crucial concepts such as rational and irrational numbers, as well as Euclid's division, lemma, all essential topics for students preparing for their exams. The videos aim to provide a thorough understanding of the subject matter, offering step-by-step problem walkthroughs and in-depth explanations. By covering previous year's questions, the tutorials help to familiarize students with the format and types of questions they may encounter in their exams. The content is designed to be accessible and engaging, making it easier for students to grasp complex mathematical concepts. This resource from Ignited Minds Tutorials empowers students to build a strong foundation in real numbers, enabling them to tackle exam questions with confidence. Whether students are looking to revise key concepts, improve their problem-solving skills, or simply gain a deeper understanding of the topic, this video series offers valuable support. With the help of these tutorials, students can enhance their knowledge and excel in their class 10 CBSE Maths exams. Okay, Bachapati, in rational numbers, we were doing PYQs. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे भाई साहब, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी. ठीक है, तो हमको मालूम है भाई साहब, आपके दो नंबर्स का समझ लो, अगर ये एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ ए बी इनटू एलसीएम ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू द नंबर्स इटसेल्फ, दैट इज ए इनटू बी. ऐसा वी नो दिस राइट. तो ए बी का भाई साहब कितना हो जाएगा, ए बी नोट और पेन, तुम मसल दिखाओ भाई साहब, तुम नोटबुक निकालेंगे जरा. ठीक है, ये हो गया ए बी. एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स ए बी इज 5, तो एच सी एफ ऑफ ए बी इज 5 एंड एल सी एम इज 200, तो 5 इंटू 200 तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1000, दैट विल बी 1000. तो ए बी का कितना हो गया, ए बी का हो गया आपका 1000. ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है. What is HCF of smallest prime number and the smallest composite number? आपका smallest prime number, so क्या हो जाएगा? Smallest prime number is what? 2. Smallest prime number is how much people am 2. And smallest composite number क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी? Smallest composite number, this is basically equal to 4, है ना? सबसे पहला composite number कौन सा है आपका? 4 है. और smallest आपका prime number क्या है? 2 है. 2 और 4 का भाई साहब आपको क्या पूछा है, एच सी एफ पूछा है. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, है ना. सो 2, 4 का एच सी एफ भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है. ओके, शो दैट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6 रेज टू n, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स कैन नेवर एंड विद अ डिजिट. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देखो 6 रेज टू n मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 रेज्ड टू n. ठीक है, और हमको मालूम है, देखो हमने ये रैशन शायद 8 में पढ़ा था. देखो a इंटू b रेज टू n क्या होता है, a रेज टू n इंटू b रेज टू n होगा. ठीक है, सो दैट विल बी 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n. ठीक है, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट कंटेन एनी प्राइम फैक्टर ऑफ 5. भाई देखो, अगर नंबर में 0 आना है ना, कोई भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है उसका प्राइम फैक्टर में 5 आना ही आना है. आगे किसी भी नंबर में अगर एंड नंबर आपका 0 है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, लेकिन एंड अगर आपका 0 है तो उसमें प्राइम फैक्टर में आपका भाई साहब 5 आना ही आना है. ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं इसका, देखिए 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या दे रहा है, 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n, ये तो भाई साहब है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n, तो सिंस 6n कैन नेवर एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. ठीक है, सो आपका 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, अगर एंड होता था 0 से तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 का आना बनता था, लेकिन प्राइम फैक्टर में 2 रेज टू n है और 3 रेज टू n है, आपका भाई साहब 5 है ही नहीं. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. ओके, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम.
तो आपको मालूम है भाई साहब HCF of let's say two numbers AB into their LCM of two numbers that is AB, this is equal to the product of the numbers A into B. ठीक है, HCF AB मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ, देखो HCF of two numbers A and B, तो यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है भाई साहब 27, तो ये आपको दिया हुआ है भाई साहब 27. ठीक है, एंड देन LCM इज कितना है भाई साहब 162. This is equal to one of the numbers is A. Let's say A आपका क्या है 54 है into B. आपको B की value find out करनी है. तो B की value कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी 27 into 162 upon 54. So 27 ones are 27, 27 twos are 54, 2 eights are 16 or 1. तो B की value कितनी हो गई बोलो 81. ठीक है, so therefore the other number is 81. The first number is, तो आपका भाई साहब other number is 81. ठीक है, other number आपका हो गया भाई साहब 81, 2017 का question है. Okay. 2015 का question है बच्चा बाड़ी, आए देखा देखा. ठीक है, 2015 का आपका तो 2015 का question है. देखो LCM of two numbers is 2079 and their HCF is 27. If one of the numbers is 297, find the other number. बिल्कुल same जिस तरह से आपने पिछला वाला सवाल किया, तो आपका HCF of two numbers AB into LCM of two numbers that is AB that will be equal to A into B. Making sense people? HCF of AB is how much? 27. LCM of AB is how much? LCM of two numbers is 2079 is equal to one of the numbers is 297. So 297 into B. So B ki value kitni ho jayegi bachcha baadi? 27 into 2079 upon 297. ठीक है? 27 देखो इससे जा रहा है भाई साहब, देख ही रहा है भाई साहब. 27 ones are 27. 11 2079 है, तो 2079 11 ones are 11, 97 11, 8s are 88, 11 8s are 88, 9 plus 8 17, 11 9s are 99. ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना 99. तो B की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाटी 99. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? B की वैल्यू हो गई 99. तो द अदर नंबर इज व्हाट? हाँ 189. अरे सॉरी 189, आई एम सो सॉरी. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द अदर नंबर इज 189. ठीक है बच्चा बाड़ी, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस. इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब? आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. ठीक है, find the least number which when divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 7 in each case. इसको कैसे करेंगे भाई साहब? तो तीनों में से 7 माइनस कर देंगे. ठीक है, सो हम यहां पे करेंगे 12 माइनस 7, 16 माइनस 7 और 24 माइनस 7. सो दैट विल बी हाउ मच? 5, 9 एंड क्या हो गया भाई साहब इसका 17 है ना, 5, 9 और 17. अभी क्या करेंगे भाई साहब? इसका एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, तो निकालिए भाई साहब 5, 9 और 17 का. हम ही निकालें यहाँ पे बैठ के, राइट? या तो इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको. ठीक है, आप क्या करो, क्योंकि इसका ना एलसीएम निकालना मुश्किल है. देखो आप एक काम कर लो, इन तीनों का भाई साहब एलसीएम निकालो और उस पर 7 ऐड कर दो, बजाय इसके कि इन से हम 7 माइनस करें, इन तीनों का एलसीएम निकालो और उस पर 7 ऐड कर दो. ठीक है, तो हमने तीनों का एलसीएम निकाला. देखो 12 कितना होता है आपका? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 16 है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16,
24 है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. एलसीएम कितना ही हो जाएगा बोलो, 2 square into 3 into, यहाँ पे 2 square को नहीं लेंगे, इस 2 square को ले लेंगे भाई साहब, यहाँ पे इस 2 square को नहीं लेंगे, इस 3 को नहीं लेंगे, बचेगा 2, तो ये हो गया आपका 4 4s are 16, 16 3s are 48, 48 2 तो 96 हो रहा है यार, कैसे ही होगा ये, नहीं 2 square into 3 into 2 square, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 raised to 4, अगर यही पूरा ले ले हम, 2 raised to 4 into, तो ये भी आ जाएगा उसमें, है ना, ये भी आ जाएगा into 3, है ना, 3 आ जाएगा भाई साहब, क्लियर है, तो 2 raised to 4 into 3 मतलब 16 3s are 48 हो गया, 48 plus 7 कर दो भाई साहब, 8 plus 7 15, 4 plus 1 5 55, ठीक है, इस नंबर को फाइन, इस नंबर को अगर मैं 12 से, देखो भाई साहब अगर 55 को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 4s are 48, कितना आया आंसर भाई साहब, 7, ठीक है, अगर 55 को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, 16 3s are 48, अगेन वही 7, ठीक है, अगर 24 मतलब 55 को मैं 24 से डिवाइड कर रहा हूँ, 24 2s are 48, अगेन व्हाट डू आई गेट, 7, तो एक सिंपल सा हिसाब है कि तीनों नंबर का आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो और उस पर 7 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे 7 इन ईच केस है, ठीक है, अगर अगर अलग अलग नंबर्स होते तो भाई साहब इनमें से आप अलग अलग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, आपने सीधा एलसीएम में ये ऐड कर दिया, सो दिस विल बी बेसिकली 55, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो भाई साहब 2023 का ताजा ताजा सवाल है, ठीक है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, सो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं वन नंबर, लेट वन नंबर बी, हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 है ना, 2x, ठीक है, सो देयरफॉर द अदर नंबर, द अदर नंबर इज कितना हो जाएगा बोलो, 3x, ठीक है, 3x भाई साहब, तो एलसीएम इज 180, तो आप भाई साहब एच सी एफ 2x 3x, ठीक है, एंड 2 इंटू एलसीएम ऑफ 2x 3x इज इक्वल टू 2x into 3x, ऐसा लिख सकते हैं कि 2x into 3x, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 6x का स्क्वायर, एलसीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 180, ठीक है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, सो एचसीएफ ये हो गया भाई साहब, एचसीएफ ऑफ 2x एंड 3x, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 6x by 180, What is the HCF of these numbers? कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको बताइए, 6x by 180, 6x का स्क्वायर हो गया ना, सॉरी 6x का स्क्वायर बाई 180, भला भला जल्दी से भला, यहाँ पे आपके लिए दो अननोन क्वांटिटीज है, देखो एक तो ये नंबर xx, आप ध्यान से सोचो, यहाँ पे एक नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 3x, इनका HCF क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, एच सी एफ क्या होता है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ना, इसको अपन नहीं, क्यों वन होगा भाई साहब, दिख तो रहा है तुमको, 2x को क्या लिख सकते हो, 2 into x, और 3x को क्या लिख सकते हो, 3 into x, तो इनमें ये तो कॉमन हो गया ना, एच सी एफ हो गया ये, तो इनका एच सी एफ क्या हो जाएगा बोलो, x, ठीक है, तो इस एच सी एफ की जगह पर क्या लिख सकते हो बच्चा बाड़ी बताओ, यू कैन राइट दिस एज x into 180 is equal to 6x का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो 6x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी, 180 by 6, दैट वुड बी 30, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब समझ में आता है ये, ठीक है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, x की वैल्यू 30 आ गई और यही एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सो एचसीएफ इज बेसिकली 30, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके, एक्सप्लेन वाई 2 into 3 into 5 plus 5 and 5 into 7 into 11 plus 7 into 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है भाई साहब, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक नंबर हो गया 2 into 3 into 5 plus 5, आप इन दोनों में से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 into यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 plus 1, लिख सकते हैं ऐसा भाई, ये 2 into 3 और ये 1, सो ये हो गया 5 into 7, सो प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है,
product of two or more prime numbers is a composite number, भाई साहब, ठीक है, इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। चलो इस पे आते हैं, देखो 5 × 7 × 11 प्लस 7 × 5, इसमें से भी भाई साहब क्या कर सकते हो, 5 और 7 को कॉमन चुन सकते हो कि नहीं दोनों में से, ठीक है। तो 5 × 7 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, 11 प्लस 1, सो दैट विल बी 5 × 7 × कितना हो गया 12। 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 12 को अपन लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन इट्स बेसिकली आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, सो दिस विल बी बेसिकली अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स इज गोइंग टू यील्ड यू अ कॉम्पोजिट नंबर, क्लियर है? ओके ओके ओके, HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65N − 117. Then find the value of N. 2019 का question है, देखो 65 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, अरे किसका multiple है, 13 का, 5 × 13 लिख सकते हैं, 117 इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 13 से 13 into कितना जाएगा, 9 ना, तो ये 3 × 3 9, 9 × 13, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इसका HCF कितना हो जाएगा बोलो, 13 विल बी द HCF। अभी देखो यहाँ पे इसका मतलब, इसका HCF इन दोनों का, अरे भाई साहब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये HCF जो होगा 65 और 117 का वो कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो HCF कितना हो गया 13, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, 65N − 117 = 13, तो 65N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 + 117, 65N की वैल्यू हो गई 7 + 3 = 10, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, ठीक है, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130/65, ठीक है, विच इज़ वॉट 2, N की वैल्यू कितनी हो गई 2, बस खत्म, समझ में आता हम, क्लियरम पीपलम, ठीक है। HCF, अभी भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो भाई साहब एकदम फालतू लल्लू पंजू सवाल है, ठीक है। आप भाई साहब यहाँ पे करोगे 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 230/60 और कितना बचा, 240/12, है ना, यही बचा ना 60, हाँ 260/12 सॉरी, ठीक है, 215/30, 23/6, 6 7 8 1 9, 3 से जाएगा ये, 35/15, 31/3, 31/3, 37/21, 17 × 1, तो आप 612 को भाई साहब क्या लिख सकते हो, 612 कैन बी डिनेस 2² × 3² × 17, ठीक है, 1314 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 7 = 14, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, 3 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 9 = 27, 10 11 1 = 12, 3 7 = 21, 3 3 = 9, ये हो गया आपका 73 प्राइम नंबर हो जाएगा भाई साहब, 73 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1314, इसका कितना हो गया बोलो ना, बोलो 2 × 3² × 73, HCF कितना हो जाएगा इसका भाई साहब, 3² तो दिस विल बी 3² दैट इज 9, ठीक है, हाँ सॉरी 2 भी होगा ना, सॉरी यहाँ पे 3² × 2, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी 3² × 2, सो दैट विल बी 9, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सो रहा है 9 × 2 = 18, सो दिस विल बी 18, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 5050 एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये फालतू वाले सवाल हैं यार ये, 5050 का भी भाई साहब 225/25, बाबा 5 5 = 25 0 5 0, ठीक है, 5 10 = 50 और 1, 101 प्राइम नंबर हो जाएगा ना, 101 वही हो गया, तो 50 नहीं 101 जाएगा क्या, किसके किसी के टेबल में आता है क्या, यहाँ पे
क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है 101 नहीं जाएगा भाई सर, ठीक है। तो आपका 5050 क्या हो जाएगा बोलो, 2 × 5 का स्क्वायर इंटू 101, ऑल दीज आर बेसिकली प्राइम, ठीक है। एज अ प्रोडक्ट इज इट यूनिक, यस इट इज़ यूनिक, बस अब एक ही ऐसा मिलेगा आपको नंबर 5050 का, और कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका सेम प्राइम फैक्टर्स हो, ठीक है। तो दैट व्हाट इज मेंट बाय यूनिक, शो दैट द नंबर्स 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। 2, 3, 1, 3 + 1, 4, 5, 6, तो ये 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 7 × 11 =, और ये हो गया आपका 11 × 1, ठीक है। सो 231 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 × 7 × 11। 396 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 396, 2 × 19 = 38, और 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 3 × 33 = 3, 11 =, और फाइनली 11 × 1 =। तो आप यहाँ पे 396 को क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी, 2² × 3² × 11, ठीक है। 11 × 11 भाई साहब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा बोलो, यहाँ पे आपको शो द नंबर्स आर नॉट, भाई एक भी फैक्टर अगर आपका कॉमन हो गया तो को प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। एच सी एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 इसका और 1 11, तो यहाँ पे एच सी एफ आपका कितना हो गया बोलो, 33, since they have common factors, hence the numbers are not, hence they are not co prime हो जाएगा। समझम बच्चा बाड़ी, ओके। अरे खत्म होएगा वो, का घर जाएगा है का, अरे घर जाएंगे, अच्छा जी बहुत अयासी आपके लाइफ में, ओके ओके।